हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज़ स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इस दिवाली और भाई दूज पे कैसे रेडी हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये है मेरा मेकअप किट पाउच। पाउच ये है ना, इसी में मैं अपने सारे मेकअप के सामान रखती हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से। तो हम सबसे पहले मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं आपके फेस को हार्म तो करते हैं, है ना। तो आपको पहले से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पहले मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फिटमी का। ठीक है, मॉइस्चराइज़र मैंने निविया का किया था, जैसा कि आपने देखा। मैं फिटमी का दो शेड यूज़ कर रही हूँ, एक 10 है और एक है 36। ठीक है, 10 लाइट एंड 36 गोल्डन। ओके, फिटमी में तो ये मैं मिक्स करके लगाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ तो नहीं करती, बिकॉज मुझे डर लगता है यार कि कहीं ज़्यादा यूज़ कर लिया ओवर ना हो जाए, है ना। मुझे क्योंकि बहुत नेचुरल मेकअप करना अच्छा लगता है, हर की चॉइस अपनी होती है, मैं मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल लगे और अच्छा भी लगे, है ना। ठीक है, तो अब मैं एम कर ले रही हूँ पूरे में और टैप टैप करके करना है। ठीक है, ऐसे यूँ ड्रैग नहीं करना। जब आप ये कंसीलर कर लेते हो या फिर अगर आप फाउंडेशन करते हो, जो भी पहले करते हो, वो करने के बाद मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगी फिटमी का ही फाउंडेशन। ठीक है, ये है 310 सनब्रेज। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मैं यहाँ पे लूँगी, इतनी सी ले रही हूँ। ठीक है, और इसे मैं इस ब्रश की हेल्प से करूँगी। ठीक है, ठीक है, जब आप एक बार इससे डन हो गए, कंसीलर और फाउंडेशन कर लिया, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, आपने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने कंसीलर यूज़ किया है उसे सेट भी करना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए आप चाहो तो आपको कॉम्पैक्ट के साथ ऐसा कुछ मिलता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, या ब्रश से। तो मैं ब्रश से प्रेफर करती हूँ। ठीक है, शुरू में मैं इसी से करती थी, पर अब ब्रश से करती हूँ। ठीक है, अब आप इससे पूरे से डन हो चुके हो, आपका बेस कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, सेकंड में क्या करती हूँ, आई मेकअप करने से पहले मैं सबसे पहले आई पे मस्कारा यूज़ करती हूँ। फिर जब आप अपना मस्कारा डन करते हो, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं अपनी आई मेकअप पे चलती हूँ। ठीक है, तो आई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डे टू नाइट कलर्स का आई पैलेट। ठीक है, आई शेडो आई पैलेट, रैंडम कोई भी कलर पिक करती हूँ। मेरे को ज़्यादा मेरे आईज़ पे ना गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लगता है ना, और थोड़ा फेस्टिवल वाला लुक देना है तो ये अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गोल्डन ही कलर डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा हॉच पॉच नहीं है, ये बहुत जल्दी बहुत ईजी हो जाएगा, है ना, और काफ़ी अच्छा कवरेज आता है। तो यहाँ पे मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे साथ मैं ब्रश से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ। अगर आपको ब्रश से सही से हो जाता है तो आप ब्रश का ही यूज़ करो। ठीक है, ठीक है, दूसरा आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ये ऐसी कोई लोकल सा है तो इसलिए मैं इसका ब्रांड नहीं मेंशन करूँगी कि कौन सी कंपनी का है ये। उस पर से मैं इस ब्रश की हेल्प से यहाँ से मैं बिल्कुल लाइट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला
बहुत हल्का सा टैप करना है और स्माइल करते हुए जहाँ पे आपकी चीक्स आते हैं ना वहाँ पे आपको ऐसे टैप टैप करना है। ठीक, पहले आप, मैं क्या करती हूँ, पहले लगा ही लेती हूँ चीक्स पे, उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना है बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए इस तरह। ठीक है, पिंकी पिंकी पू। फिर उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे से अपना जो भी अभी तक मेकअप किया हुआ है उसे सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विथ विटामिन ई के साथ, जो स्विस ब्यूटी का है ब्रांड। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है यार। यू आपको ऐसे थोड़ा सा शेक करना है, उसके बाद पूरे अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने हमेशा बताया आपको, नेचुरल रहना पसंद है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ द क्रीमी मैट बाई कलर सेंसेशनल मेबलिन न्यूयॉर्क। ठीक है, और हाँ, इससे पहले आपने अपने लिप को अच्छे से लिप बाम से हल्के हाथ से मसाज सा करना है, जो कि मैं करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब सब डन हो जाता है तो आपने क्या करना है, हाइलाइटर यूज़ करना है, हाइलाइट भी तो करना है अपने फेस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइट का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बड़े हल्के हाथ से आपको ऐसे करना है पहले। ठीक है, ऐसे लिप्स पे, ठीक है, थोड़ा सा चिन पे हल्का हल्का, एंड देन फिर सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। इसके बाद अगर आपका मन हो तो करो, वरना मत करो। ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ। और फाउंडेशन और कंसीलर से पहले मैंने प्राइमर भी लगाया था, जो कि मैं क्या ही बोलूँ, स्किप कर गई दिखाना वीडियो। उस टाइम मुझे लगा शूट हो रहा है, पर वो शूट नहीं हो रहा था, तो सॉरी। पर प्राइमर यूज़ करना तो मॉइस्चराइज करने की बात थी। फिर जब आपका मेकअप डन हो जाता है तो बिंदी तो बिल्कुल नहीं भूल सकते ना, एथनिक बिना। और इसके बाद ईयरिंग्स पहन लो। यहाँ पे मैं सिल्वर ईयरिंग्स वेयर कर रही हूँ। एंड आई एम डन विथ माय मेकअप। बहुत सिंपल है पर बहुत प्यारा लग रहा है, बस के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताना ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा या नहीं लगा, और आपको, आप इस दिवाली या भाई दूज पे ऐसे ही मेकअप कर रहे हो या कुछ और सोचा है आपने, है ना। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए लव लव, हैप्पी भाई दूज एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। Bye.